कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने उनकी तरफ से इनकार और नाफरमानी ही देखी तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह का तरफदार और मेरा मददगार हो? हवारी बोले कि हम अल्लाह के तरफदार और आपके मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम फरमाबरदार हैं। ऐ परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के मुत्तबे हो चुके, तू हमको मानने वालों में लिख रख। और वो यानी यहूद कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले और अल्लाह ने भी ईसा को बचाने के लिए तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर कयामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते रहे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा।